God, precious people of God, परमेश्वर के प्रिय लोगों आप सबको जय मसीह की। आज की डिवोशन के लिए हम लोग देखेंगे उत्पत्ति उसका 18वां अध्याय उसके 30 से 32 पद तक के। फिर उसने कहा जी हे प्रभु क्रोध न कर तो मैं कुछ और कहूँ, कदाचित वहाँ 30 मिले। उसने कहा यदि मुझे वहाँ 30 भी मिले तो भी ऐसा ना करूँगा। फिर उसने कहा हे प्रभु सुन, मैंने इतनी ढिठाई तो की है कि तुझसे बातें करूँ, कदाचित उसमें 20 मिले। उसने कहा मैं 20 के कारण भी उसका नाश ना करूंगा। फिर उसने कहा हे प्रभु क्रोध ना कर, मैं एक ही बार और कहूंगा, कदाचित उसमें 10 मिले। उसने कहा तो मैं 10 के कारण भी उसका नाश ना करूंगा, उसका नाश ना करूंगा। मेरे प्रियो, वो रिश्ते जो कि एक तरफा होते हैं बहुत दिन तक के नहीं चलते। हम ही बात करते रहे, हम ही फोन करते रहे, हम ही खड़े रहे, हम ही सब कुछ करते रहे, सामने से कोई रिस्पांस नहीं मिले, वो रिश्ते जो कि एक तरफा होते हैं बहुत दिन तक के नहीं चलते। बहुत जरूरी होता है कि दोनों पार्टीज अपने हिस्से को करने पाए और वो रिश्ते खूबसूरत होते। मुझे परमेश्वर के वचन का यह हिस्सा बहुत खूबसूरत लगता है जहाँ पे अब्राहम जो हैं वो परमेश्वर से सदोम और गुमोरा के लिए विनती करे, प्रभु अगर 50 लोग वहां पे होंगे तो क्या आप उसको नाश कर देंगे। प्रभु ने कहा नहीं करेंगे, ठीक है 50 लोग मुझे मिलेंगे मैं नाश नहीं करूंगा। प्रभु अगर 40 लोग मिलेंगे, अगर 30 लोग मिलेंगे, अगर 20 लोग मिलेंगे, प्रभु अगर 10 लोग ऐसे होंगे जो कि विश्वास योग्यता के साथ में चल रहे होंगे तो भी क्या आप उसको नाश कर देंगे। ठीक है मैं नहीं नाश करूंगा। एक खूबसूरत से रिश्ते को हम यहां पे देखते हैं, जो कुछ अब्राहम परमेश्वर से कह रहे हैं, जो कुछ अब्राहम परमेश्वर से कह रहे हैं प्रभु उनकी बातों को मान रहे, उनकी बातों को सुन रहे, जबकि परमेश्वर ने ये इरादा बना लिया था कि सदोम और गुमोरा को वो नष्ट कर देगा क्योंकि वहां बहुत ज्यादा पाप था। फिर भी अब्राहम के कहवे के अनुसार प्रभु ने उसकी बात को माना और जो कुछ अब्राहम कहते गए परमेश्वर उसकी बात को मानते गए। I mean this is so beautiful, ये कितना खूबसूरत रिश्ता है जो अब्राहम और परमेश्वर के बीच में। हम भी चाहते हैं कि हम जो कुछ प्रभु से कहें प्रभु उसको मान ले, प्रभु उसको सुने। जब कभी हम प्रभु के पास में आए, जिस भी आवश्यकता के साथ में आए, जो भी हम प्रार्थना करें प्रभु से, बस प्रभु उसको सुन ले, प्रभु उसको मान ले। यस मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं परमेश्वर आपकी एक एक प्रार्थना को सुन लेना मांगते हैं। परमेश्वर आपकी एक एक प्रार्थना को सुन लेना मांगते हैं। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं आपका रिश्ता कैसा है, आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ में कैसा। अब्राहम का खूबसूरत सा रिश्ता था, जो कुछ परमेश्वर अब्राहम से कहते थे अब्राहम परमेश्वर की बात को नहीं टालता था, अब्राहम परमेश्वर की बात को मान लेता था। और इसीलिए जो कुछ अब्राहम परमेश्वर से कह रहे हैं प्रभु भी उसकी बातों को सुन ले रहे हैं, प्रभु भी इसकी बातों को मान ले रहे। जो कुछ परमेश्वर ने अब्राहम से कहा अब्राहम ने सिंपली उनको फॉलो किया, साधारण तरीके से वो आज्ञाकारी होने पाया। क्या हम साधारण तरीके से आज्ञाकारी हैं? क्या जो कुछ परमेश्वर हमसे कहते हैं हम उसको सुनने को तैयार हैं, हम उसको करने को तैयार हैं? आप परमेश्वर के वचन में जा करके देखें, परमेश्वर ने अब्राहम से कहा अब्राहम अपना सब कुछ छोड़ के तुम मेरे पीछे हो लो, अपने घर को छोड़ो, अपने परिवार को छोड़ो, अपने शहर को छोड़ करके तुम मेरे पीछे हो लो और मैं तुमसे एक बहुत बड़ी जाति को बनाऊंगा और मैं ऐसा करूंगा कि यदि कोई आसमान के तारों को गिन सकेगा तो तुम्हारे बच्चों को गिनने पाएगा। खूब वायदों के साथ में परमेश्वर अब्राहम के पास में आते हैं और जो कुछ परमेश्वर ने अब्राहम से कहा अब्राहम ने उसको मान लिया, अब्राहम ने उसको मान लिया। अब्राहम को समझाने के लिए कोई नहीं था कि कोई बार बार आके उसको समझाता भाई अब्राहम परमेश्वर की योजना आपके लिए ऐसी ऐसी है और परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है और आपको ऐसा करना चाहिए और आपको वैसा करना चाहिए। जैसे कई बार प्रभु के लोगों को, प्रभु के सेवकों को, प्रभु के लोगों के पास में जाके बार बार परमेश्वर के वचन की शिक्षा उनको देनी पड़ती है। आज्ञाकारिता ऐसी बात है और ये काम हमको करना है और ये चीज हमको करनी। कई बार के सेवकों को लोगों के पास में जाके उन बातों को बार बार रिपीट करना पड़ता है, पर अब्राहम के साथ में ऐसा नहीं था।
अब्राहम के साथ में ऐसा नहीं था। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा और अब्राहम सिंपली ओबीडियंट हुआ और वो परमेश्वर के पीछे चल दिया एक और खूबसूरत किस्सा परमेश्वर के वचन में अब्राहम के साथ का है। आप देखें उत्पत्ति उसका 22वां अध्याय उसके दूसरे और तीसरे पद में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। उसने कहा जी अपने पुत्र को, परमेश्वर ने कहा अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। अतः अब्राहम सवेरे तड़के उठा और अपने गधे पर काठी कसकर अपने दो सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली तब निकल कर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। कितना खूबसूरत है मेरे प्रियो। अब्राहम के पास में कोई संतान नहीं थी। 75 साल की उम्र में अब्राहम परमेश्वर के पास में आए। प्रभु ने वादा क्या 100 साल की उम्र में 100 साल वेट करने के बाद में अब्राहम को जब अब्राहम 100 साल के हुए तब उनको इसहाक मिला। अब इसहाक बड़ा हो गया है। अब्राहम इसहाक से बहुत प्यार करता हैगा क्योंकि उसके पास में एक ही बेटा है उससे बहुत प्यार करता है। और परमेश्वर अब्राहम के पास में आते हैं और अब्राहम से कहते हैं जो तुम्हारा एक लौता बेटा है वो तुम मुझे दे दो और जहां मैं तुमसे कहता हूं वहां पे जाके तुम उसको कुर्बान कर दो वहां पे उसको बलिदान कर दो। अब्राहम से परमेश्वर ने ये नहीं कहा अपनी बहुतायत में से मेरे को थोड़ा सा दे दो अब्राहम से परमेश्वर कह रहे एक ही चीज तुम्हारे पास में एक ही बेटा तुम्हारे पास में और वो तुम मुझे दे दो। और हम देखते हैं अब्राहम सिंपली ओबीडियंट होता है साधारण तरीके से आज्ञाकारी होता है। जो कुछ प्रभु ने कहा उसने अगली सुबह उठा अपने बेटे को लिया और बेटे को लेकर नौकरों के साथ में उस पर्वत की ओर निकल गया परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करने के लिए। ये सब जानते हैं आगे की कहानी को कि परमेश्वर ने इसहाक को बलिदान होने नहीं दिया और खूबसूरत कहा परमेश्वर ने वहां पे किया। पर आप देखें अब्राहम के हृदय की सिंपल ओबीडियंस को उसकी साधारण सी आज्ञाकारिता को। कई बार हम परमेश्वर के बड़े लोगों के जीवनों को देखते हैं और हम हैरान होते हैं प्रभु किस प्रकार से आपने इनको आशीषित किया किस प्रकार से आप इनकी प्रार्थना को सुन लेते थे और उत्तर देते थे। पर मेरे प्रियो आप ध्यान दें इन लोगों की आज्ञाकारिता के ऊपर साधारण तरीके से परमेश्वर के आज्ञाकारी। परमेश्वर अब्राहम से कहा अपने परिवार छोड़ दो अपनी चीजों को छोड़ के मेरे पीछे हो लो और अब्राहम उसके पीछे हो लिए। परमेश्वर अब्राहम से कहा अपने बेटे इस्माइल को जाने दो उसने जाने दिया। परमेश्वर अब्राहम से कहा अपने बेटे को लो जाके उसको कुर्बान कर दो और अब्राहम उठते हैं और उसको लेकर के अगली ही सुबह द वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग वो उसको लेकर के जाता है। यह जो परमेश्वर आपने कहा है मैं उसको आज्ञा को उसको पूरा करना चाहता हूं। आशीषें छुटकारा चमत्कार बड़े काम हम भी अपने जीवन में चाहते हैं। पर मेरे प्रियो अपने अंदर झांक के देखें क्या आप वो जन हैं जो कि उसके सिंपली ओबीडियंट होते हैं साधारण तरीके से क्या हम उसकी आज्ञाओं को मान लेते हैं या बहुत ढेर सारा दिमाग लगाते हैं बहुत ढेर सारी हम समझने की कोशिश करते हैं ये हमको समझ में आ रहा है या हमको समझ में नहीं आ रहा है और उसके अनुसार हम चलते हैं संसार को देखते हैं रीति रिवाजों को देखते हैं और चीजों को देख करके हम अपने फैसलों को करते हैं या जो कुछ परमेश्वर ने हमसे कहा हम उसको फॉलो करते हैं। यरीहो की दीवारें गिर गईं, एक बहुत बड़ा आश्चर्यकर्म होने पाया पर वो कैसा हुआ परमेश्वर ने लोगों से कहा कि ये 6 दिन तक के एक एक चक्कर काटना शहर का और 7वें दिन 7 चक्कर काटना और उसके बाद जोर से जय जयकार करना और ये दीवारें ढह जाएंगी। और हम देखते हैं लोग प्रश्न नहीं पूछ रहे लोग सवाल नहीं पूछ रहे प्रभु ये कौन सी बात होती है आपको देना है तो आप ऐसे ही दे दीजिए। लोग साधारण तरीके से आज्ञाकारी हुए और प्रभु ने
बड़े चमत्कार को उनके जीवन में किया। जो कुछ परमेश्वर मूसा से कहते रहे, जो कुछ दाऊद से कहते रहे, हम देखते हैं परमेश्वर का एक एक जन, परमेश्वर के हर एक जो बड़ा जन था, साधारण तरीके से आज्ञाकारी होने पाया। साधारण तरीके से मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि आप परमेश्वर के राज को एंजॉय करना चाहते हैं अपने जीवन में, यदि आप उसकी उपस्थिति को एंजॉय करना चाहते हैं अपने जीवन में, यदि आप चाहते हैं कि आप परमेश्वर आपके जीवन में खूबसूरत कार्य को करे, एक चीज हमको सीख लेनी है और वो ये, साधारण तरीके से आज्ञाकारिता, साधारण तरीके से आज्ञाकारिता, सिंपल ओबीडियंस। जो कुछ उसने कहा यस हम वही करेंगे, जो कुछ उसने कहा हम वही करेंगे, हमको समझ में आए या हमको समझ में नहीं आए। और तब ये रिश्ता खूबसूरत होता है, जो कुछ परमेश्वर अब्राहम से कह रहे, जो कुछ अब्राहम परमेश्वर से कह रहे, परमेश्वर उसकी बात को मान रहे। जो कुछ अब्राहम परमेश्वर से कह रहे, प्रभु यदि 50 लोग मिलेंगे, यदि 40 लोग मिलेंगे जो धर्मी होंगे, तो क्या आप नष्ट कर देंगे? ठीक है, मैं नष्ट नहीं करूंगा। प्रभु अगर 30 लोग मिलेंगे तो क्या आप नष्ट कर देंगे? नहीं, मैं नष्ट नहीं करूंगा। अगर मुझे 30 लोग मिल गए तो मैं नष्ट नहीं करूंगा। परमेश्वर अब्राहम की सारी बातें सुन रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब्राहम वो जन था जो कि सिंपली ओबीडियंट था, साधारण तरीके से आज्ञाकारी। बहुत आवश्यक है मेरे प्रियो कि हम उसके पीछे चले और साधारण सी आज्ञाकारिता के साथ में उसके पीछे चले। बड़ी चीजें हमारे इंतजार कर रही हैं। प्रभु आपको आशीष दें। पिता परमेश्वर, हम आपके सम्मुख आते हैं और हम प्रार्थना करना चाहते हैं आपके प्रिय लोगों के लिए। प्रभु जहां कहीं भी आपके लोग पाए जाते हैं, प्रभु हर वो जन जो कि संदेश को सुन रहा है और हर वो आपका जन जो कि संदेश को नहीं भी सुन रहा है, हम चाहते हैं प्रभु कि आप लोगों के हृदय से बोले और बातचीत करें और उनको एक आज्ञाकारी हृदय दे, उनके सख्त हृदय को आप बदल दे पिता परमेश्वर। और होने पाए कि जबकि आप आ रहे हैं और जल आ रहे अपनी प्रजा को लेके जाने के लिए, कलीसिया तैयार होने पाए और इन आखिरी पलों में कम से कम कलीसिया जगह के ऊपर आने पाए जहां पे हम साधारण तरीके से आपके आज्ञाकारी होने पाए, सिंपल ओबीडियंस में हम आने पाए और जो कुछ आप हमसे कहें हम उसको फॉलो करने पाए। अपने हाथ को बढ़ा करके प्रभु अपने लोगों को छुए और आप उनको ढेर सारी आशीष दें। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिएगा, ग्रहण कीजिएगा। आमेन एंड आमेन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू माय डियर फ्रेंड्स। प्रभु आपको आशीष दें। जय मसीह की।